के अंदर पहला और आखिरी जलसे की मुझे याद दी गई कि मैंने डीआर एस काउंसिल मैंने परमिशन ली इस जलसे की या अंधे वाले पुल पे सराफा बाजार में। ये उस वक्त से आपके सामने पूरी फोर्स आई हुई है, मुझे यहाँ इसोलेट करके बिठाया हुआ, लेकिन मैं भी किसी से नहीं डरती। मेरे डेरा गाजी खान के आवाम सुन लें, मैं जिदार हूँ, मैं बहादुर हूँ। ये आप देख लें कि तमाम लोग अपने जलसे कर रहे हैं, तमाम पार्टी अपने जलसे कर रही है, सिर्फ दरताज गुल को परमिशन नहीं है, जबकि मेरे पास परमिशन है यहाँ पे जलसे की। और ये पुलिस आपके सामने लोगों पकड़ पकड़ रही है, मैं खड़ी हूँ, मैं किससे नहीं डरती। ये इलेक्शन इंशाल्लाह मैं जीत के रहूँगी। आपने जो मर्जी हो जाए, जो आपको ये कहते रहे मुझे गिरफ्तार करें या मुझसे बयान लें या कहें सरताज गुल मर गई है, आपने इमरान खान की स्टाइल से सरताज गुल को जितवाना है। आपके शहर के लोग आपने मेरी लाज रखनी है, क्योंकि मैं खड़ी हूँ, मैं नहीं डरती हूँ। ये वोट आपकी अमानत है, ये पैसे आपकी अमानत है। 8 फरवरी को आपने निकलना है, सरदारों को आपने रद्द कर देना है, नूनली को आपने रद्द कर देना है, आप लोगों ने पीपल्स पार्टी वालों को रद्द कर देना है, आपने बेंच के ऊपर धप्पा लगाना है और मुझे जितवाना है। और मैं आपके सामने अभी तक खड़ी हूँ, मेरा हक है कि मैं ये जलसा करूँ, और मैं खड़ी हूँ और मैं यहीं पर खड़ी हूँ, नहीं खड़ा होने दिएगा। लेकिन आज डेरा गाजी खान के बुजुर्गों ने, खवातीन ने, बच्चों ने मेरे लिए मार खाई है, उन्होंने आज मुझे अपना घर खरीद लिया है, आज उन्होंने अपना हक अदा कर दिया है। बुजुर्ग आज के मेरे सर के ऊपर हाथ रखते थे और उनको मारा जाता था इंतजामिया की तरफ से। खवातीन आती थी मेरे ऊपर फूल डालती थी, हसार को तोड़ती थी, खवातीन को धक्के गिरा दिया जाता था। डेरा गाजी खान के नौजवान आते थे, मुझे सल्यूट करते थे, उनको डालों में बिठा के पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता था। पिछले 4-6 घंटे से यह होता रहा, लेकिन डेरा गाजी खान की आवाम ने मेरा साथ दिया, उन्होंने वोट का हक अदा कर दिया, उन्होंने इमरान खान से वफा का हक अदा कर दिया। जब नई जलसा मुझे करने दिया गया, आखिर मैंने कहा चलो मैं शॉप टू शॉप कैंपेन करती हूँ। मैं पैदल निकली, मेरे साथ आवाम निकली, पूरा रास्ता पूरे डेरा गाजी खान ने देखा कि अकेली सरताज गुल पुलिस के असार में चल रही थी, और रास्ते से आवाम मेरे नारे लगाते थे और पुलिस जाके उनके ऊपर लाठी चार्ज करती थी। अभी मेरे घर का 2 घंटे से मुहासरा किया हुआ था, मैंने खुद अपने वर्कर से खिताब किया है, मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी इलेक्शन वाले दिन की जरूरत है, मुझे आपकी पुलिस थानों में, जेल में आपकी जरूरत नहीं है, आपने मुझे वोट डालना है, आपने मुझे बेंच के ऊपर आप लोगों को मुझे कामयाब करना है। आपने पानी भरन दिया कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।